अभी देख पा रहे हैं हमारे पास खड़ी है एच ब्लॉक्स BS6, हमने इसमें कार्बाइड सेट कर रखा है और एक और वीडियो हमने डाल रखा है जिसपे काफ़ी सारा जो कमेंट आ रहा है कि हम BS6 में कार्बोरेटर कैसे लगाएं और क्या क्या सामान लगता है। तो आज के इस वीडियो में यही बताने वाला है कि BS6 बाइक आप BS4 बनाए तो उसमें क्या क्या सामान लगेगा, कौन कौन सामान लगेगा और कैसे लगेगा। तो चलिए दिखाते हैं इसमें क्या क्या सामान लगा है और कैसे लगा है और कौन कंपनी का लगा है, कितना खर्चा लगता है उसमें। तो चलिए सबसे पहले इसका हम टंकी खोलते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका टंकी उतार लेते हैं नीचे, उसके बाद से दिखाते हैं इसमें कौन सा सामान लगा और कैसे लगा है। उससे पहले वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ लगता है, तो यहाँ पे देखिए वेल्डिंग होके पेट्रोल टी सेट हुआ है, यहाँ पे हो गया पंप इसका, तो पंप हमने इसमें छोड़ रखा है, यहीं पे रहेगा। अगर कस्टमर चाहेगा तो फिर से पंप इसका चालू हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल टी हमने साइड में वेल्डिंग करा के सेट करा रखा है। अब चलिए दूसरा जो काम है वो दिखाते हैं, दूसरा काम इसमें कैसे हुआ है। उससे पहले इसका हम ट्यूर बॉक्स निकाल लेंगे, उसके बाद से दिखाएंगे इसमें कौन सा चीज़ है कैसे सेट हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हमने इसका ट्यूर बॉक्स खोल लिया उसको, तो यहाँ पर देख लिए स्प्लेंडर प्लस का ओल्ड मॉडल का इसमें लगा है, एक कार्बोरेटर पंचा लगा है और यहाँ पे कार्बोरेटर लगा है और कार्बोरेटर के साथ में एक तो इसका ओरिंग लगता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं काला में दिख रहा है ये लगा है। और यहाँ पे जो है इसका फ्यूल, यहाँ फिल्टर बॉक्स जो है यहाँ पे रहता है फिल्टर बॉक्स, यहाँ पे होस पाइप लगा है। अब चलिए दिखाते हैं होस पाइप लगा कैसे। उससे पहले इसका फिल्टर बॉक्स होता है उसको खोल लेते हैं, उसके बाद से दिखाते हैं इसमें फिल्टर जो इसका होस पाइप रहता है वो कैसे लगा है इसमें। और इसमें जो होस पाइप है इसका स्प्लेंडर प्लस का लगा है, जो BS4 है उसका होस पाइप लगा है इसमें, इसमें सुपर का भी लग जाता है होस पाइप। अब चलिए बताते हैं इसको इसमें जो है सेट कैसे हुआ है। यहाँ पे फिल्टर निकल गया और यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ जो है इसमें एक्स्ट्रा दिखा रहा है, ये वाला जो खांचा है इसमें बैठ जाता है, लेकिन ये BS6 का बॉक्स है इसीलिए इसमें इसमें देखिए यहाँ पे सोल्यूशन लगा कर और थोड़ा जो है इसमें टेप लगा कर इसको एडजस्ट किया गया है। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन की मदद से इसमें एडजस्ट हो गया ताकि जो है इसमें से एयर ना निकले और आवाज़ भी इसका अच्छा सुनाए। तो ये हो गया। अब चलिए दिखाते हैं इसमें जो तीसरा काम हुआ है क्या हुआ। इसमें गाड़ी की जो सीढ़ी होती है जो करंट वाली वो यहाँ पे लगा है, यहाँ पर टंकी का जो साइड है इसमें एडजस्ट होता है, इसको निकालना नहीं पड़ता है, अगर निकल जाएगा तो गाड़ी में करंट नहीं आएगी। तो ये वाला जो है इसका यहाँ पर एडजस्ट हुआ है और ये वाला जो इसका फ्लेंचा है ऐसे ही नहीं बैठेगा इसमें, इसमें 11 नंबर का जो डाई आता है चूड़ी काटने वाला इसमें लगा कर और इसमें मारना पड़ता है, मार के और पेचकस के मार के इसको पूरा फ्री करना पड़ता है, थोड़ा सा इसका होल बढ़ाना पड़ता है, उसके बाद ही इसमें सेट होगा, अगर इसमें होल नहीं बढ़ेगा तो नहीं सेट होगा। चलिए इसका प्राइस की बात करते हैं, तो ए पड़ जाएगा आपको 190 रुपये पड़ जाएगा, ए पड़ जाएगा 2700 रुपया। कार्बोरेटर आप कोई भी बाइक का सस्ता वाला लगा सकते हैं, तो एक कार्बोरेटर स्प्लेंडर प्लस का हमने डाला है तो 1450 रुपये पड़ा है और इसमें हमने एक एक्सीलेटर वाला डाल रखा है जो सुपर स्प्लेंडर का था 80 रुपये पड़ा है। और यहाँ इसका फिल्टर लबड़ का बात करें तो ये पड़ता है इसका 90 रुपया। और इसका हम टंकी का खर्चा की बात करते हैं तो चलिए पहले टंकी खर्चा दिखाते हैं क्या कितना खर्चा लगता है टंकी में। अब इसका टंकी खर्चा की बात करेंगे तो ये हमको लग गया 350 रुपया इसको बनवाने में और 150 रुपया लग गया इसका पी का। तो आप कुल मिला के जोड़ सकते हैं कि कितना खर्चा आया इसमें, इतना में ही आप BS6 को BS4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो BS6 गाड़ी में BS4 बनाने में यही सामान लगता है, जो जो सामान आपको बताए हैं उसका रेंज भी बता दिए हैं। काफ़ी भाई जो है कमेंट कर रहे थे कि भाई कितना खर्चा लगता है और कौन कौन सामान लगता है, तो हमने सारा चीज़ इसमें बता रखा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो है कीजिए ताकि जो भी बाइक वाला है उनको पता लगे कि भाई सामान भाई BS6 गाड़ी BS4 बनाने में क्या क्या चीज़ लगता है, कौन सा सामान लगता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।